Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to the channel. So friends, this video is related to Wipro onboarding joining most ask queries and uh, there is a onboarding update related to Emphasis MNC also. Emphasis MNC, uh, send the mail to candidates that soon they will announce the onboarding. And this uh, video is related to onboarding joining most ask query. And uh, I have two important updates related to the WebPro team. As you can see on my screen that that is related. Okay. So this video is very important. Don't miss this video because this type, this queries are most ask queries. Let's start the video. Okay. This all videos are for all of you. Like and share the video with your friends. So first query is if you are waiting for turbo offer. So when they will give you turbo opportunity. And uh, second opportunity is Elite phase one, phase two onboarding. And third opportunity is if you not filled the survey form. So when will be the onboarding? Is phase still same for the remaining onboarding? Important suggestion related to Elite or turbo.

हम हमें पता है कि कितनी खराब कंडीशन चल रही है बाहर ऑन बोर्डिंग कितना डिले हुई और जो करंट सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से अभी जॉब अपॉर्चुनिटी लेना बहुत जरूरी है मैंने आपको कल भी बोला था अब मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूं कि क्या आपको वेट करना चाहिए टर्बो ऑफर के लिए देखिए मैं आपको सिर्फ दो ही चीज कहूंगा अभी के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी आपको 3.5 पॉइंट एलपीए में मिल रही है पर यहां से आपके प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो जाएंगे मींस आपकी ऑनबोर्डिंग आ जाएगी और नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी अब क्योंकि टर्बो की रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है ठीक है एक और मैं आपको ये पढ़ के बता देता हूं शुड यू चूज नॉट टू एक्सेप्ट द करंट ऑफर यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड योर वेलोसिटी ऑफर हाउ वेयर वी कैन नॉट कमिट अट ऑफ ज्वाइनिंग एज अर हायरिंग प्लांसिंग इवॉलविंग कस्टमर नीड्स तो पहले ही आपको बता रहा हूं कि फिर बहुत टाइम लग सकता है तो अगर वेट कर सकते हैं तो फिर मत चूज कीजिएगा बाकी मैं तो आपको सजेशन दूंगा मतलब मेरा ये सजेशन है कि अगर मैं इस कंडीशन में रहता तो मैं तो ये थ्री पॉइंट फाइव एलपीए का पैके और मिलती भी है। आप अपनी स्किल सेट के बेसिस पे अपना इंक्रीज कर सकते हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि मेरा सजेशन तो यही है कि जॉब लीजिए एंड मूव फॉरवर्ड कीजिए आगे बढ़िए और इसी के साथ साथ आप उसमें मतलब जैसे ऑन बोर्डिंग आपकी भी मार्च में हो जाएगी आपको भी ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा इलाइट फेज वन फेज टू की ऑन बोर्डिंग का क्या होने वाला है देखिए जिस हिसाब से अभी उन्होंने टर्बो कैंडिडेट्स को इस टाइप से अपॉर्चुनिटी दी है चांसेस है कि आपका भी सेम फेज में होने के चांसेस है मतलब आप यहाँ पे मान सकते जैसे मैंने जैन से अप्रैल फेज तो बोला ही था अब मार्च में ऑन बोर्डिंग आई है तो फिर यहाँ पर अप्रैल मई यहाँ तक ऑन बोर्डिंग जो है चलने के चांसेस ही बनते हैं और नॉट फील्ड सर्वे कब होगी ऑन बोर्डिंग अब ये उन पर डिपेंड करता है क्योंकि अभी तक मतलब यहाँ पर कोई भी वो डेट कमिट नहीं कर सकते कि ज्वाइनिंग कब होगी ठीक है क्या फेज स्टिल सेम है रिमेनिंग ऑन बोर्डिंग के लिए यस yes, अभी फेज सेम है क्योंकि इस फेज में आने के चांसेज है मैं आप सभी को यही सजेशन दूंगा अगर आप इलाइट कैंडिडेट्स हैं तो आप वेट कर सकते हैं थोड़े टाइम में आने के चांसेस है और आप टर्बो कैंडिडेट्स हैं तो प्लीज ऐसा मत लगाइए कि आ, मतलब यहाँ पर उन्होंने ये ऑफर नहीं दिया है देखिए जो सिचुएशन बाहर चल रही है उस चीज में ले ऑफ होने से अच्छा है या फिर टर्मिनेट होने से अच्छा है कि कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिले क्योंकि चार साल की इंजीनियरिंग करी या फिर कोई भी कोर्स करा और उसके बाद अब जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हमें इस जॉब अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल

होने ही वाली है क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे से सीखेंगे सारी चीजों को आपका एक स्किल सेट डेवलप हो जाएगा और आप उसके बेसिस पे कोई भी कंपनी या बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई कर सकते हैं और सिलेक्ट हो सकते हैं और अपना करियर बहुत अच्छा कर सकते हैं तो मेरा तो यही सजेशन है बाकी मैंने आप सभी को इंपॉर्टेंट अपडेट्स बता दिए हैं फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी लगती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो